भाजपा ओबीसी मोर्चा उत्तर पूर्वी जिला के तत्वाधान में पुण्य श्लोक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी के 296 जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भोजन फल एवं मास्क वितरण समारोह मुकुटपुर मंडल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा सांसद मनोज तिवारी, विधायक अजय महावर, जिला अध्यक्ष मोहन गोयल, भाजपा ओबीसी मोर्चा उत्तर पूर्वी जिला के अध्यक्ष तिलक राजपाल सहित भाजपा के सभी कार्यकर्ता शामिल हुए। भोजन और फल वितरण के बाद सांसद मनोज तिवारी ने अहिल्याबाई होलकर पार्क में उनकी याद में एक अर्जुन पेड़ के पौधे का रोपण किया। वैक्सीनेशन के सवाल पर सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब केंद्र सरकार 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन करवा रही है तो फिर अरविंद केजरीवाल 18 से 40 साल वालों को वैक्सीन क्यों नहीं लगवा पा रही। उन्होंने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि केजरीवाल वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर जनता के बीच में दुष्प्रचार कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों का इस समय सेवा ही संगठन कार्यक्रम चल रहा है और हम लोग ऐसे ऐसे महापुरुषों को भी इस दौरान, जिनकी जो तिथि आ रही है या कोई हमारा जो कम्युनिटी होता है उन महापुरुषों को मानते हैं, उनको हम सम्मानित करते हुए हम इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज का आज भी हमने इसी के तहत इस जहांगीरपुरी में हमने ये कार्यक्रम रखा और उसी अवसर पे माता होलकर जी को याद करते हुए फिर हमने लोगों को भोजन भी बांटा, केले भी बांटे, सैनिटाइजर भी बांटे और मास्क भी बांटा। एक सवाल है कि लगातार को लेकर अपना करते जा रहे हैं केंद्र सरकार के और रोज कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पेशली ये कहते हैं कि भी वैक्सीन की कमी है और वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में लग रही है लेकिन सरकार जो सरकारी अस्पताल उनको नहीं लग पा रहे। हम तो यही कह रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल खरीद सकते हैं तो आप क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? यही सवाल है ना कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल सरकार से बड़े तो है नहीं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी खरीद ले रहे वैक्सीन, केंद्र सरकार वैक्सीन लगवाई रही है, 45 साल के ऊपर का केंद्र सरकार लगा रही है, कहीं कोई कमी नहीं है। तो जो दिल्ली सरकार को खरीदना था वही क्यों नहीं आ रहा है? इसका मतलब है कि वो वैक्सीन पे हमला करना जानते हैं, वैक्सीन लगाना नहीं जान रहे। तो भी मैं आपको निश्चिंत कर दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया है, अरविंद केजरीवाल जैसे अलंजर पलंजर चाहे जितना भी वैक्सीन पे बात करें वो कर लगाएं न लगाएं, हम 30 नवंबर तक सबको लगा देंगे, आप चिंता मत करिए। देखिए, वैक्सीन के लिए बड़ी स्पष्ट बात है, केंद्र ने 50 लाख से ज्यादा वैक्सीन दिल्ली में लगवा दी है जिसमें एक सिंगल वैक्सीन का भी कंट्रीब्यूशन राज्य सरकार का नहीं है और देश में कल तक 20 करोड़ 86 लाख वैक्सीन लगा करके लगभग 21 करोड़ दुनिया में पहले पायदान पर टीकाकरण में भारत आ गया है। यह यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। तो राज्य सरकार सिर्फ बात बना रही है, बहाने बना रही है। जिस सरकार ने परसों पहला टेंडर जारी किया हो उसकी मनसा और नीति साफ नजर आती है कि वह सिर्फ बॉल को केंद्र के पाले में फेंकने में विश्वास रखती है, ना कि दिल्ली की जनता के लिए वो संजीदा है, ऐसा मुझे लगता है।